वाले 7 और 8 अक्टूबर को सूबे में बड़ा निवेशकों का महाकुंभ आयोजित किया गया है। इस महाकुंभ में सूबे का सहकारिता विभाग भी अहम योगदान कर सूबे में विकास के साथ रोजगार के अवसरों को लाने की कवायद कर रहा है। इस दिशा में विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के प्रयासों के चलते अमूल निवेश के तौर पर आने वाला है। इस बारे में भारत खबर के विशेष संवाददाता अजस्त्र पीयूष से इन्वेस्टर समिट को लेकर आर मीनाक्षी सुंदरम ने कई बातें साझा की। सूबे में आने वाली 7 और 8 तारीख को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन आने वाला है, इन्वेस्टर समिट। 18 साल इस राज्य के गठन को हो गया है और 18 साल बाद इस राज्य में एक बड़ा निवेश होने के साथ ही विकास के एक नए दरवाजे खुलने की उम्मीद है। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड शासन में पशुपालन और दुग्ध विकास इत्यादि विभागों को देख रहे सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम जी हैं। हम बात करेंगे कैसे पशुपालन विभाग और अन्य विभागों जो उनके पास एलाइड्स हैं, सहकारिता है, वो इन्वेस्टर समिट में किस तरह से अपनी प्रतिभागिता कर रहे हैं और किस तरह से फ्यूचर में इन सारी चीज़ों को लेकर विकास के एक नए आयाम को वो उत्तराखंड के साथ जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत खबर पे। सर, आने वाले दिनों में इन्वेस्टर समिट है और आज खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा, दो दिन पहले खुद सहकारिता मंत्री ने कहा कि अमूल जो है एक बहुत बड़ा निवेश करने जा रहा है। ये क्या है सर और किस तरह का निवेश अमूल कर रहा है? देखिए, अगस्त के महीने में मैं और मेरे साथ आंचल डेयरी के अधिकारियों ने आनंद गए थे और वहाँ MD साहब से मुलाकात हुई थी। और चूँकि हमारी लगातार प्रयास ये रही है कि हम अपने मिल्क प्रोक्योरमेंट को बढ़ा दें और उसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। इस एक साल में हमने लगभग 1 लाख लीटर प्रतिदिन की अतिरिक्त प्रोक्योरमेंट अचीव कर लिया है। ये बहुत कम समय पर अचीव किया है। इसके बाद हम अब NCDC के प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारी दूध का जो क्रय होगा ये काफ़ी बढ़ जाएगा और इस एक्स्ट्रा दूध को हमको प्रोसेसिंग करनी है, बेचनी है या वो करनी है, तो उसमें हमारी कैपेसिटी को अपग्रेड करना, स्किल को अपग्रेड करना और इसमें हमको सहयोग देना। इसमें अमूल के सामने हमने दो तरीके के प्रस्ताव रखे थे। एक तो क्योंकि संयुक्त रूप से कुछ जॉइंट वेंचर हम लोग लॉन्च करें और दूसरा हमारी लोगों को कैपेसिटी अपग्रेडेशन करें। कैपेसिटी अपग्रेडेशन के लिए इमीडिएटली MD साहब ने अप्रूवल कर दिया है और वो होने जा रहा है। जो जॉइंट प्रपोजल है वो भी पाइपलाइन में है, वो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी मंजूर हो जाएगा। सर, जैसे इन्वेस्टर समिट में अमूल के अलावा आपके पास सहकारिता में और भी जो हमारी डेयरियाँ हैं उनको किस तरह से इसको अपग्रेड करेगा अमूल और कैसे इसको आगे इन फ्यूचर आप देखते हैं? इन्वेस्टर समिट में अमूल के अलावा दो और डेयरी, प्राइवेट डेयरी फॉर्म्स हमारे साथ MOU कर रहे हैं और उसमें 500 करोड़ निवेश करने के लिए आनंदा डेयरी और 70 करोड़ निवेश करने के लिए अवीना डेयरी, ये दोनों तैयार हो रहे हैं और उनके साथ भी हमारे टॉक्स जो हैं मैच्योर हुए हैं और एक अनुबंध को साइन भी कर रहे हैं। इसके अलावा पोल्ट्री सेक्टर में भी कई ऐसे छोटे छोटे पोल्ट्री फार्म्स खोलने के लिए ये जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के लेवल पर MOU साइन हुए हैं और कैटल फीड प्लांट और उसके अलावा मीट प्रोसेसिंग, इन चीज़ों में भी काफ़ी लोग रुचि ले रहे हैं। NCDC के साथ जो हमारी 3,800 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी अप्रूवल के अंतिम चरणों में है तो उसके MOU भी साइनिंग MD साहब स्वयं आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी 7 तारीख को होने जा रहा है। सर, इसके साथ ही आपने एक बार चर्चा की थी भारत खबर के ही साथ बातचीत करते हुए कि आने वाले दिनों में पशुपालकों के लिए भी एक बड़ा जो है वो रास्ता जो है, एक बड़ा दरवाज़ा जो है वो उत्तराखंड सरकार खोलेगी जिससे पशुपालकों और ख़ासतौर पे इस पेशे से जुड़े किसानों के लिए एक नई दिशा उनकी दशा सुधारने का कार्यक्रम लाया जाएगा, तो उसको लेकर भी कुछ है इन्वेस्टर समिट में? सर, हम लोग इसके अलावा एक पैरेलली एक प्रयास कर रहे हैं कि बहुत बड़ा लाइव स्टॉक मेला कराया जाए। उसकी तिथियाँ तय हो चुकी है, ये 11, 12, 13 इन 3 दिनों का मेला हम लोग पंत नगर में आयोजन करने जा रहे हैं। हम लोग 2 मेला आयोजन करेंगे, एक कुमाऊँ के लिए, एक गढ़वाल के लिए।
कुमाऊं वाला पहले पंतनगर में नवंबर 11, 12, 13 में हुआ, फरवरी या मार्च में हम लोग गढ़वाल का मेला देहरादून में प्लान कर रहे हैं। अच्छा सर, इन्वेस्टर समिट के लिहाज से अगर देखा जाए सहकारिता का, मैं आज जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अमूल का आना एक बड़ा कदम है और एक सार्थक कदम है, तो अभी तक कोई जगह तय हुई है जहां अमूल का प्लांट लगेगा या अमूल का और आपका जो आंचल डेयरी है इसका संयुक्त प्लांट लगेगा, ऐसी कोई जगह तय हुई है सर अभी तक? हमारे पास जो हरिद्वार की प्लांट है अभी कम कैपेसिटी में चल रहा है, तो हरिद्वार के प्लांट को अपग्रेड करना और उसको जॉइंट रूप से चलाना हमारा पहला प्रयास है। तो इसके बाद चूंकि ये कोऑपरेशन एक बार हम लोग कोऑपरेट करना शुरू कर गए, उसके बाद ये कोऑपरेशन अनवरत जारी रहेगा, तो आगे का हम लोग फिर उधम सिंह नगर के लिए प्लान करेंगे, नैनीताल के लिए प्लान करेंगे। तो सर एक तरह से हम कह सकते हैं कि अमूल के आने के बाद आंचल का जो अब तक का स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से बदल जाएगा और आंचल अमूल के साथ मिलकर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा और इसका लाभ आने वाले दिनों में सूबे को भी मिल सकता है, क्यों सर? डेफिनेटली, स्पेशली जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ अभी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और सबसिस्टेंस डेयरी चल रही है और बड़े फर्म्स के आने से उसको एक बूस्ट मिलेगा और यहाँ प्राइमरी सेक्टर के अलावा और किसी सेक्टर की पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो कोशिश ये होगा कि प्रोसेसिंग और अन्य चीज़ें मैदानी क्षेत्र में लगेगा और प्रोडक्शन पर्वतीय क्षेत्र में। सर अभी आपकी यात्रा देशों में थी जहाँ पर आपने नए सीफ एंड गोट्स और फिशेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की, तो ऐसा कुछ है कि इन्वेस्टर समिट में इन पर भी कुछ आएगा सर? हमने ट्राउट के सीड्स के लिए स्पेन में जो सीड प्रोडक्शन कंपनी है उनसे वार्ता हुई थी और उन्होंने बड़ा एग्जाइटिंग ऑफर भी दिया था कि 1.5 लाख सीड हम लोग आपको फर्स्ट कंसाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे और आप हमारी प्रोडक्शन को कंपेयर करिए, आपके अपनी वर्तमान में जो सीड है उसकी साथ तुलना कर लीजिए, अगर आप संतुष्ट होते हैं तो सीड हमसे फर्दर प्रोक्योर करिए, क्योंकि हम लोग एक मेजर इनिशिएटिव ट्राउट फार्मिंग को लेकर के लेके आ रहे हैं, उसके चलते सीड अच्छे क्वालिटी सीड्स को लाना एक पहला स्टेप है और ओवा पीसस नाम की स्पेन की कंपनी है, हालांकि वो इन्वेस्टर मीट में तो अभी भागीदारी नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी कंसर्ट हमको दे दिया है, उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मेरिनो शीप को इंपोर्ट करने के लिए हमको भारत सरकार ने परमिशन दे दिया है और भारत सरकार हमको 8.5 करोड़ रुपये का बजट भी दे रहे हैं और अब उसी में हम लोग जो है स्पेन गए थे, क्योंकि स्पेन जो है मेरिनो शीप का जो बर्थ प्लेस है वो स्पेन है और वहाँ के मेरिनो शीप ब्रीडर्स एसोसिएशन से वार्ता हुई है और जो वहाँ के एम्बेसी हैं, इंडियन एम्बेसी हैं, उनके ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ लगातार टच में हैं और हमको उम्मीद है कि जल्दी ये भी मिलेगा। हमारे साथ थे उत्तराखंड सरकार के पशुपालन और सहकारिता सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम सर, जिन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में अमूल के साथ ही नहीं अन्य भी डेयरियाँ मिलकर उत्तराखंड के विकास में निवेश कर रही हैं। जाहिर सी बात है इस निवेश से आने वाले दिनों में उत्तराखंड को एक लाभ तो होगा ही, रोजगार और आय के भी अवसर बढ़ेंगे। भारत खबर के लिए मोनू राजपूत के साथ अजस्र पीयूष, देहरादून।